सवाल बनाते हैं. ये जो सवाल है वेव ऑन स्ट्रिंग का है. बताया गया अ वायर ऑफ लेंथ एल एंड मास पर यूनिट लेंथ -3 kg/m इज पुट अंडर टेंशन ऑफ 540 टू कंसेक्यूटिव फ्रीक्वेंसीज दैट इट रेजोनेट्स एट आर 420 Hz एंड 490 Hz. देन एल इन मीटर्स इज. अब देखेंगे कि यहां पर है, अगर कुछ नहीं बताया गया था तो ये मानेंगे कि दोनों एंड जो है फिक्स्ड. तो इसमें कोई भी दो कंसेक्यूटिव फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस होता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बराबर आता है. तो 490 हर्ट्ज और 420 हर्ट्ज के बीच का जो डिफरेंस है वो आएगा 70 हर्ट्ज. और ये 70 हर्ट्ज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगा. फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आता है 1/2L अंडर रूट f/μ. तो यहां से हमें L का वैल्यू निकालना है. तो L का वैल्यू आएगा 1/2 × 70 अंडर f का वैल्यू यानी टेंशन दिया गया 540 और लीनियर डेंसिटी ये दिया गया है 6 × 10⁻³ है ना. तो इसको आप सोल्व करेंगे तो ये 2.14 ऐसे कुछ आएगा. अप्रोक्सीमेटली हम लोग 2.1 कह सकते हैं है ना, जो कि ऑप्शन 4 में बताया गया है. तो ये जो है ये करेक्ट ऑप्शन माना जाएगा.